No, 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 no. छोटा डॉन के सामने अच्छे अच्छों का पेशाब छूट जाता है। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं, कोई उर्स का लंगर नहीं खाता तो कोई मुहर्रम की न्याज नहीं खाता, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब खा जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ लोग अपने हकूक के लिए तो नहीं निकलते, लेकिन सांडे का तेल देखने या फिर जलजले की सूरत में बाहर भाग कर निकलते हैं। विचले जराये के मुताबिक हुकूमत आवाम के फोन कॉल्स के जरिए गुफ्तगू सुनेगी। हर कॉल पर एक ISI एजेंट तैनात होगा। आखिर जब भी किसी को फोन करें दो बार सलाम करना होगा, एक बार उस बंदे को जिसे आपने फोन किया है और दूसरा जो कॉल रिकॉर्ड कर रहा होगा। सयाने कहते हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि जब आप बेगम या फिर जानू से रोमांटिक बातें कर रहे होंगे और फोन कॉल के बीच में सांसें हवलदार बशीर की तेज हो जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम अपने सियासतदानों से इस कदर परेशान हो चुकी है कि अब जहाँ भी छोटे चेतन की आवाज़ सुनाई देती है, अवाम मोबाइल कंपनियों से शिकायत करने लग जाती है कि अल्लाह दा वास्ता जिस भिखारी की आवाज़ को हटाया जाए, कौन का दिमाग पहले ही बड़ा खराब है। दोस्तों दुनिया बिजली पर कारें बसें ट्रेनें चला रही है और हम बिजली के बिल के डर से पंखे नहीं चला पाते। वज़ीर-ए-आज़म शलवार शरीफ मैट्रिक के इम्तिहान में फेल होने वाले तलबा से फरमाते हैं कि परेशान ना हो, मैट्रिक फेल लोग ही पाकिस्तान चला रहे हैं। आखिर पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है? किस्मत आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। पाकिस्तान में रोटी चाहे 16 रुपए की ले लें, अगर पंखा चलाकर खाएंगे तो 60 रुपए की पड़ेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पहले लोगों को सिर्फ अपने घर का बिल अदा करना पड़ता था, लेकिन अब आपको 3 घरों के बिजली का बिल देना पड़ता है। एक जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जिनको फ्री बिजली मिलती है, और तीसरा जो बिजली चोरी करते हैं उनके हिस्से का भी बिल आपको अदा करना पड़ता है। पटवारी पाकिस्तान तो क्या दोजख में भी यही नारे लगा रहे होंगे कि मियां जदो आवेगा ते लग पता जावेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। दोस्तों हमारा कौमी असेंबली हॉल अब एक कॉमेडी शो से कम नहीं लगता, क्योंकि वहाँ राणा साहब की तरह हर कोई एक दूसरे को ताने मारने ही आता है। जनाब स्पीकर, जे मैं वेखा 43 वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा 47 वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। बात ये जनाब, अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ये बात तो सच है कि हुकूमत को जब भी वोट चाहिए होते हैं तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े वादे करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आवाम को इनकी जरूरत होती है तब ये सत्तू पीकर सो जाते हैं। तो बैठो जल्दी चलो, गाड़ियां आ गईं, पजारो आ गई, तो जब सानू जरूरत पे कोई मर गया, कोई बीमारी, कोई हारी, वो सो रहे हैं, अभी जागना नहीं, वोट ला जाना कुत्ते तरह मांग के, साड़ी गल नहीं सुनते। दोस्तों आज से 100 साल पहले एक मलंग ने पेशन गोई की थी कि 100 साल के बाद एक नस्ल पटवारी ऐसी आएगी जो झूठ को झूठ और सच को सच नहीं मानेगी, बल्कि झूठ को सच और सच को झूठ बोलकर बेइज्जत होते रहेंगे। तो एक्टर जो है, मैंने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। तो अब तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो परफॉर्मेंस बेस्ड हुकूमत है उसके ऊपर बात करना तो यकीनन एक नेकी का काम है, और उनको ये करना चाहिए। तो इससे डिस्करेज होना, इससे दिल बर्दाश्ता होना या डरने की जरूरत है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अदालत में खान साहब के केसेस की माफी चल रही है और अब तो PTI को सारी सीटें भी वापस करने का सोचा जा रहा है। इसी बात पर खान साहब को नानी साहिबा की तरफ से मुबारकबाद सुनिए। आप कॉल कर सकते हैं हमारे साथ, एक कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है। थैंक यू। आप पे और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, ना मुराद किया है। आपको मुबारक हो, ये अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया। थैंक यू। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक तरफ छोटे चेतन कहते हैं कि मैं गरीब आवाम पर बिजली का बोझ कैसे डाल दूं, और दूसरी तरफ डाल भी देते हैं। गरीब आदमी को फिर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूं? बिजली किस तरह सस्ती देनी है, ये कोई आसान काम नहीं है। बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होती है, ये महकमे की जबरदस्त खराबियां हैं। गरीब आदमी को फिर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूं? गरीब आदमी को फिर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूं? झूठ बोल रहा है।
दोस्तों छोटे चेतन के झूठ सुनकर अब तो माइक भी अक्सर वक्त खुद ही बंद हो जाता है। पेशावर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर हमने मिलकर, सबने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो खुदा की और पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। पाकिस्तान में पिछले दिनों फायरवॉल काफी ट्रेंडिंग का हिस्सा रहा क्योंकि इस पर कौमी खजाने से अरबों रुपए फजूल में जाया किए गए। और इन्होंने ऑनियन एक प्रोग्राम में कहा था कि इनको कोई 5-6 करोड़ का बजट दे दे, ये मिनटों में सोशल मीडिया कंट्रोल कर लेंगे नैरेटिव। तो भाई आप इनको 5 करोड़ दे देते, मसला हल कर लेते, क्या जरूरत थी? क्या फायरवॉल नस्ब करने बैठ गए हैं और लोगों को इतना आप मारपीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के वर्कर्स के घरों पे छापे मार रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं? भाई आप हसन अय्यूब, आपके पास इतना बेहतरीन हल मौजूद था। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हा? नानी साहिबा भी गरीबों से ऐसे ही नफरत करती हैं जैसे कि मियां जी करते थे। अब यहाँ मरियम नवाज बच्चे को भी यही समझाती हैं। मैडम सब यकीन नहीं आ रहा है आपके सामने बैठे। अच्छा, मुझे भी नहीं यकीन आ रहा आप मेरे सामने बैठे। मैंने दोस्तों मियां साहब वो मर्दे कलंदर आदमी हैं जिन्होंने अमेरिका की 5 अरब की ऑफर ठुकरा कर कहा कि ये थोड़े ने क्लिंटन ने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप प्राइम मेहरबानी एट भी धमाके ना करें, हमारा जमीर खरीदने की कोशिश की गई जमीर। दोस्तों भले ही नवाज शरीफ जहर आलू शख्सियत हैं, लेकिन मियां साहब ने भी पटवारियों को कभी इतना जलील नहीं किया था और अब बेचारे पटवारी मियां साहब को याद करके उनकी पुरानी तकरीरें सुनते हैं। ना गैस आती है, ना बिजली आती है, बिल पहले से ज्यादा आता है। अगर ये बिजली के रेट बढ़ाएंगे मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इन्होंने काम को भिखारी बना दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है, ये पाकिस्तानी काम भिखारी नहीं है। नोटी नोटी, यू टीजिंग मी, यू नोटी नोटी। अब जरा नम्मा जी से मिलिए जिनके लहजे की कड़वाहट मुल्क के हालात साफ साफ बता देती है। लोग कहते हैं कि इमरान खान नु मौका देना चाहिए ना, तब्दीली लेके आएगा और नवा पाकिस्तान बनाएगा, उन्होंने मौका देख देना चाहिए। दोस्तों इमरान खान की इद्दत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद बड़े मियां साहब का रिएक्शन कुछ ऐसा था। सब खुल के हंसे सारे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।